और जंजोई नदी पुल का पिलर धंसने से ग्रामीण भयभीत है। पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए पुल से आवागमन बंद कर दिया है। तो नवाज गयपुर थाना क्षेत्र के कसवा खांड में जंजोई नदी पुल पर बना है यह पुल महुलिया पंचायत एवं कसवा खांड पंचायत के कई गांव को जोड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल 2013 से 2014 में निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक के द्वारा की गई थी। इस पुल का एक पिलर भी धस गया है। मेरा नाम विश्वनाथ महतो है, ग्राम कसवा खांड पंचायत के रहने वाले हैं। जो कि यहाँ बहुत पूर्व में सुधा चौधरी 13-14 में जो कि पुल का निर्माण वही दी थी, जो कि उस समय पुल का जनता लोग विरोध करता ही रह गया। लेकिन जनता लोग उस समय कहा गया कि बालू भर गया, लेकिन ठेकेदार और मुंशी सब वैसी करके बना दिया, लेकिन पुल फिर भी पहला पुल धस गया था, फिर दूसरा में भी दूसरा पुल धस। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण के समय बरती जा रही लापरवाही का विरोध किया था, लेकिन अधिकारी ग्रामीणों के विरोध का नजरअंदाज करते रहे और पुल निर्माण में अनियमितता बरती गई, जिसका जीता जागता ढांचा आपके सामने है। इस पुल का एक पिलर धस गया और पुल से आवागमन बंद हो गया। लोगों को कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो इस दूरी को पाट सके। राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार मेहता। किस पंचायत में ये पुल? कसवाखड़ पंचायत में है, कसवाखड़ गांव में ही है। क्या इस पुल का निर्माण कब किया गया था? 13-14 में किया गया था। 13-14 में ये पुल कैसे धस गया? ये पुल धस गया, सुरवे नहीं बना सही से। उसमें भी पब्लिक यहाँ के लोग विरोध करते आते थे कि आप सही से नहीं बना रहे हैं। ठेकेदार को जो लगा वो बना के चले गए। आज हम लोग के भूत भोगी भोगना पड़ रहा है कि हम लोग के यहाँ 25-30 गांव का आवागमन हम लोग को टूट गया। यहाँ के बच्चे लोग जो हैं, आज हम देखते हैं कि जो 3-4 साल के बच्चे लोग हैं 1 किलोमीटर दूरी से दौड़ा ला रहा है, टाइम पे बस आ रहा है, बच्चे लोग वहाँ से दौड़ा ला रहा है। जो कल बच्चा हमारा घर से उठ के जाता था, कितना बहुत कठिनाई झेलना पड़ रहा है। कसवाखड़ पंचायत एक भवन जो है हमारे यहाँ, आज कम पर भी 150 पब्लिक है, बाइक से आते जाते गया, फोर व्हीलर नहीं आ रहा है। इस तरह के निर्माण से अंदाजा लगाया जा सकता है निर्माण की गुणवत्ता कैसी होगी और इंजीनियरों ने कितनी मुस्तैदी से काम किए होंगे। जो उद्घाटन के बाद पहली ही बारिश में पुल का पिलर धस गया, जिसे लीपा पोती करते हुए तत्काल तो मरम्मत कर दिया गया, लेकिन पुल का वही पिलर फिर से धस गया। लोगों का कहना है कि ऐसे घटिया निर्माण से जनता के पैसे को जमीन में धसाया जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। क्या ऐसे पुल निर्माण से झारखंड में विकास का पहिया आगे बढ़ेगा? जिसका पुल निर्माण के 10 साल बाद ही पिलर धस गया, क्या सरकार निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देगी या जनता के पैसे को यूं ही पानी में बहाया जाएगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इंजीनियर्स और ठेकेदारों पर कार्रवाई करेगी और ऐसे ठेकेदार और एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करेगी या फिर चुप्पी साधे रखेगी।